हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर ट्रैक्टर के बारे में सीखेंगे। ट्रैक्टर में जो बेसिक सिस्टम होते हैं, ट्रैक्टर बॉडी, इसमें उसके सारे पैराफिजिकल कंपोनेंट जाएंगे, सीट मेटल फैब्रिकेशन एंड स्टेयरिंग ब्रेक सिस्टम थ्री पॉइंट लिंकेज, ये सारे ट्रैक्टर ग्रुप में होते हैं। एंड इसके बाद सेकेंड ये होता है, इसमें इंजन इंजन मैन पार्ट है जो इसको ड्राइव देता है। एंड ट्रांसमिशन हो गया, ये पावर रिडक्शन एंड गियर सिस्टम है। थर्ड है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक इसमें मेनली यूज होता है, क्योंकि आप अदर ऑटोमोबाइल व्हीकल में देखते हो तो हाइड्रोलिक का यूज सिर्फ ब्रेक में होता है और या फिर आपके स्टेयरिंग में, बट यहाँ हाइड्रोलिक का मेन यूज होता है आपके इम्प्लीमेंट को यूज करने में, जैसे कि कल्टीवेटर हो गया, प्लाउ हो गया, इनको लिफ्ट करने में होता है और थ्री पॉइंट लिंकेज को ऑपरेट करने के लिए मेन यूज होता है। पावर स्टेयरिंग भी इसमें यूज होता है एंड आप ब्रेक को भी हाइड्रोलिक में देते हैं, बट बेसिकली होता है ये आपके पावर लिफ्ट थ्री पॉइंट लिंकेज के लिए यूज होता है। एंड लास्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सिस्टम, इसमें भी होता है क्योंकि इसमें लाइट्स हैं एंड आपके सारे डिस्प्ले हैं, मॉनिटर डिस्प्ले हैं, सिग्नल्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैक्टर बॉडी में मेन सब सिस्टम क्या क्या है। जैसे आप देखोगे स्टेयरिंग, सेकेंड स्टेयरिंग में आपको दो कैटेगरी मिलेगी, एक मैकेनिकल और पावर स्टेयरिंग। तो पावर स्टेयरिंग के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम और मैकेनिकल के लिए आप लिंकेज सिस्टम के ऊपर देखोगे। एंड फ्रंट एक्सल असेंबली, फ्रंट एक्सल असेंबली, इसमें आपके फ्रंट के टायर आएंगे, एक्सल आएंगे और उसका अरेंजमेंट आएगा। इसमें फ्रंट एक्सल टायर की ज्योमेट्री आएगी, ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम में आपको ट्रैक्टर में थ्री और फोर टाइप्स के ब्रेक सिस्टम यूज होते हैं, बट इसमें डिस्क ब्रेक और एक होता है ड्रम ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक बहुत ही छोटे ट्रैक्टरों में यूज किया जाता है, आजकल डिस्क ब्रेक ही होता है। डिस्क ब्रेक में भी दो होते हैं, एक ड्राई डिस्क ब्रेक होता है और एक वेट डिस्क ब्रेक जो ऑयल से डूबा हुआ होता है, ऑयल एग्जॉस्ट ब्रेक भी बोलते हैं। एंड क्लच सिस्टम, क्लच सिस्टम, इसमें क्लच में जो सारे ऑटोमोबाइल में होते हैं वैसे सेम ही फंक्शन होते हैं, बट इसमें दो तरीके के क्लच यूज होते हैं, एक तो सिंगल और डबल क्लच, जो कि अलग अलग। आजकल डबल क्लच का यूज ज्यादा हो रहा है, जैसे कि आप रोटावेटर हो गया और एक सेपरेट इम्प्लीमेंट यूज करते हैं जो बिना आपके उसको डिस्टर्ब किए बिना कंटिन्यू चलता रहता है। सेकेंड थ्री पॉइंट लिंकेज, ये थ्री पॉइंट लिंकेज ट्रैक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें सारे इंप्लीमेंट को यूज करना, उसके परफॉर्मेंस और उसके ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये एक अलग ही स्टैंडर्ड और एक अलग ही यूनिक सब यूनिट है इसमें। हो गया सीट अरेंजमेंट। सीट अरेंजमेंट में सारे एस्थेटिक पॉइंट होते हैं, एस्थेटिक एंड कंफर्ट की ड्राइवर की पोजीशनिंग, हैंडलिंग और एक सारा इसमें चेक होता है ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड टायर सिलेक्शन, आप देखोगे ट्रैक्टर में टायर सिलेक्शन का बहुत मेन रोल होता है। अगर आपने प्रॉपरली टायर सिलेक्शन नहीं किया तो उससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, टायर फास्ट वेयर आउट होगा, या ट्रैक्टर पे लोड आएगा तो उसके इंजन पे भी लोड आएगा, मतलब इंजन भी खराब होने, ट्रांसमिशन भी फेल होने के चांस रहेंगे। अब हम अभी एक ट्रैक्टर सिस्टम के बारे में एक जनरल व्यू, एक छोटा सा ब्रीफ लिया है। अब मैं आपको थोड़े धीरे धीरे ये जैसे स्टेयरिंग, फ्रंट एक्सल, ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम, थ्री पॉइंट लिंकेज, सीट अरेंजमेंट और टायर सिलेक्शन, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।